तो व्हाट्सएप गाइस क्या हालचाल एंड गैजर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज का ये वीडियो है वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि फेस को स्मूथ करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, डेली 100-200 वीडियो यूट्यूब पे आता है, बट गाइस कोई भी रियल ट्रिक नहीं बताता है। सब लोग क्या करते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं जो कि आपके फोटो पे वो ट्रिक वर्क नहीं करता है। बट गाइस मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक को देखकर आप लोग सेम इसी प्रकार से इतना हार्ड वाला फेस को वाइट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फेस कितना हार्ड वाइट हुआ है, और बैकग्राउंड की बात करें कितना हार्ड ग्रीन कलर में इसको एडिटिंग किया हूं। और गाइस देख सकते हैं पहले मेरा फोटो कितना बेकार था, पूरा फेस ही बेकार था, ब्लैक आया था, बट गाइस एडिटिंग के बाद कितना ज्यादा HD और कितना ज्यादा गोरा हुआ है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग फेस पे इतना सारा चमक दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग जब फेस को वाइट करते तो क्या होता है, कहीं पर वाइट कभी ब्लैक इस प्रकार से आ जाता है, बट मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग सेम इसी प्रकार का इतना हार्ड फेस को वाइट कर पाएंगे, उसके बाद अपने हेयर को इतना हार्ड वाला कलर करके एंड इस पे ऑयल पेंट यूज कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पहले का हेयर कैसा था, वो बाद में कैसा हो चुका है, देख लीजिएगा कितना हार्ड लग रहा है हेयर हमारा। तो बस आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस क्या करना है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आपका भाई पूरे 100% गारंटी के साथ बता रहा है कि आपको ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा। चलिए मैं काम करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो भाई लोग सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना फोटो ले लेना होगा, और आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी इसका कितना लो है, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लोग बिना रेमनी का फुल HD फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले शेयर वाले आइकन पर जाना है और अपने फोटो को Lightroom एप्लीकेशन में सेंड कर देना। देखिए आप लोग को स्टेप वाइज स्टेप देखना है, ठीक है, आप लोग किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो देखिए मैं अपने फोटो को Lightroom में शेयर कर दिया हूं, फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग तो जानते हैं कि Lightroom में शेयर के बाद आप लोग को Lightroom को ओपन करना पड़ता है। तो देखिए मेरा Lightroom ओपन हो चुका, ऑल फोटो पे हम लोग को जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको नीचे जाना है और मैं दूंगा आपको एक ठो प्रीसेट, उस वाले प्रीसेट को आप लोग को सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जो कि ये रहा प्रीसेट हमारा। तो इसको हम ओपन करेंगे और ओपन के बाद आपको जाना है 3 डॉट पे, फिर आपको कॉपी सेटिंग पे जाना है और आपको नीचे वाले को मार्क लगाकर क्या करना, सही पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको अपने फोटो पे आ जाना है और गैजेट देखिए 1 क्लिक और जो आपका फोटो है पूरा फुल HD होने वाला है। देखिए मैं 1 क्लिक और कितना ज़्यादा फेस वाइट हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर, जो कि ऐसा प्रीसेट आज तक आप लोग कोई नहीं दिया होगा मैं जानता हूँ। तो आप लोग को सिंपली इतना काम करना है, इतना काम के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए मैं आपको बहुत सारा ट्रिक बताने वाला हूँ, नया ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो कि कोई नहीं आज तक आप लोगों को बताया होगा। तो आपको आ जाना है स्नैपसीड, फिर आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं कितना हार्ड क्वालिटी है हमारे फोटो का। तो आपको आना है टूल्स पे एंड सिलेक्टिव पे जाना, फिर आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको अंधेरा पार्ट दिखाई दे वहां पे आप लोग को सिंपली ब्राइटनेस को हाई करना है। देखिए मैं किस प्रकार से ब्राइटनेस को हाई कर रहा हूं, तो आप लोग भी इसी प्रकार से ब्राइटनेस को हाई कर दीजिए। देखिए कितना हार्ड ब्राइटनेस मेरा हाई हो रहा है। अगर आपको जहां भी दिखाई दे कि लाइट कम है, वहां पर आप लोग किस प्रकार से लाइट को ज्यादा कर दीजिएगा। देखिएगा जो मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं वही ट्रिक आपको भी यूज करना है। तो मैं इस प्रकार से देखिए ब्राइटनेस को हाई करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली डिटेल पे आना है। शार्पनिंग को आप लोग को लगभग 46 या फिर चाहे तो आप लोग 50 के आसपास में कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ और इसको हाई, मैं इसको इतना करता हूँ। इतना काम के बाद क्या करना आप लोग को, फोटो को ले चलना कहाँ पे, Autodesk स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। देखिए इतना शॉर्टकट ट्रिक आज तक आप लोग कोई नहीं बताया हुआ मैं जानता हूँ, बट आज आपका भाई पूरा शॉर्टकट ट्रिक बता रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी कितना हाई है गाइस, देख लीजिए गाइस क्वालिटी पूरा हाई है, 1% फट नहीं रहा है। फिर आपको क्या करना है, ब्रश वाले आइकन पे जाना है, फिर आपको ऊपर जाना है और इस वाले ब्रश को लेकर सेटिंग को सेम इतना रखना है। देखिए आप लोग सेटिंग को ध्यान से देख लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह फोटो को पूरा जूम करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखिए इसे बैक करता हूँ और ब्रश आप लोग देखिए रही है कौन सा ब्रश लेना है। फिर आप लोग फोटो को जूम करके क्या करना, आप लोग इतना पैक करके फिर स्मूथ करते हैं। तो ऐसा आपको गलतियाँ नहीं करनी है, पूरा आपको जूम करना है फोटो को, फिर आप लोग को आराम से इस प्रकार से ब्रश को चला चला कर स्मूथ करना। देखिएगा 1% कहीं पर फट नहीं रहा है ना, तो वो कहीं पर ब्लैक कहीं पर व्हाइट ऐसा नहीं हो रहा, पूरा बराबर स्मूथ हो रहा है। देख लीजिए आप लोगों को सामने ही स्मूथ कर रहा हूँ कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी स्मूथ करना है। देखिए गाइज
देखिए आप लोगों के सामने ही सारा कुछ कर रहा हूँ किस तरह इतना हार्ड ट्रिक आज तक आप लोग को नहीं बताया। मैं जानता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं घुमा फिरा कर वीडियो बनाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है गाइज। आप लोग शॉर्टकट वाला ट्रिक जो है उसको यूज कर सकते हैं, उससे भी आप लोग जैसे चाहे वैसे फोटो बना पाएंगे। बस आपको क्या करना है वीडियो को फुल वॉच करना है और जितना मैं ट्रिक बता रहा हूँ सब ट्रिक आप लोग को याद करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं किस प्रकार से ब्रश को चला रहा हूँ, गोल गोल फिर सीधा सीधा, इससे आपको अपने फेस के आकार के हिसाब से ब्रश को चलाना दिया गाइज। कितना हार्ड है स्मूथ हमारा फेस हो रहा है, तो आप लोग को भी इसी प्रकार से अपना जो फेस है इसको स्मूथ करना दिया गाइज। देख कितना हार्ड मेरा चेहरा स्मूथ हो रहा है, देखिए कितना हार्ड, 1% कहीं ब्लैक नहीं आया है। फिर आपको क्या करना है ये जो आँख के नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम लोग इस तरह स्मूथ कर लेंगे। फिर आपको अपना जो नाक हो गया इसको भी आप लोग इस प्रकार से स्मूथ करना दिया गाइज। कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से इसको स्मूथ कीजिएगा, देखिए कितना हार्ड। फिर मैं इसको क्या करता हूँ आराम से इसको हल्के, देखिए आप लोग आराम आराम से स्मूथ करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में ख़राब कर देते हैं, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपको आराम से स्मूथ करना है ताकि फोटो आपका मस्त लगे। कितना हार्ड देखिए मेरा चेहरा स्मूथ हो रहा है। फिर आपको क्या करना है जो इधर का पार्ट है इसको भी आप लोग को इस तरह स्मूथ कर लेना है गाइस। कितना हार्ड इस साइड का भी पार्ट स्मूथ हो रहा है, तो आप लोगों को सारा का जो पार्ट है फेस का हो गया, गर्दन हो गया, सब कुछ आप लोग को स्मूथ करना है। कितना हार्ड चेहरा मेरा स्मूथ हो चुका है। फिर आपको क्या करना अपना जो कान हो गया इसको आप लोग हल्का फुल्का ब्रश चलाकर स्मूथ करना, देखिए इस तरह। देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सब कुछ आपको आपके सामने ही बता रहा हूँ। देखिए आप लोग को भी ऐसे ही करना है, जानते हैं ना एडिटिंग करना कितना मुश्किल होता है, बट मैं आप लोग के लिए डेली एक आसान आसान ट्रिक लगा रहता हूँ ताकि आप लोग आसानी से और बहुत जल्द सीख पाए, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग किसी प्रकार से सारा काम करना, देखिए कितना हार्ड हो रहा है काम और कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, फुल चमक फुल HD के साथ। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसी प्रकार से अपना जो चेहरा हो गया उसको स्मूथ करना है। देख कितना हार्ड, फिर इसको इतने इस प्रकार से कितना हार्ड देखिए स्मूथ हो रहा है। फिर आपको इस वाले पार्ट को भी हल्का हल्का इस तरह ब्रश चलाकर स्मूथ कर लेना, देखिए गाइस। देखिए आप लोगों के सामने ही स्मूथ कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं स्किप नहीं किया हूँ, 1% कहीं पर भी स्किप नहीं किया हूँ, और आप लोगों के सामने कितना हार्ड स्मूथ हो चुका है। फिर आपको जो अपना हाथ है इसको भी स्मूथ करना है, देखिए इस प्रकार से इसको स्मूथ किए। फिर आप लोग को इसको एंड इसको इस प्रकार से आप लोग को हल्का फुल्का सभी को स्मूथ करते जाना है, कितना हार्ड स्मूथ हो गया। फिर गाइज आपको अपना हाथ स्मूथ करने के बाद क्या करना है, अपने फोटो को डायरेक्ट आप लोग कहाँ ले चलना है, ले चलना डायरेक्ट कहाँ पे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं बताऊँगा आप लोग किस तरह से अपना जो बैकग्राउंड हो गया उसको एडिटिंग कर पाएंगे, अपने हेयर को एडिटिंग कर पाएंगे, सब कुछ आपको बताऊँगा A to Z। तो आप लोग इतना बात तो समझ गए होंगे मैं जानता हूँ। तो फिर आपको पिक्स आर्ट में आना है, उसके बाद आपको इफेक्ट पे आना है, कलर पे जाना है, कलर रिप्लेस पे जाकर आपको सिंपली बैकग्राउंड पे मार्क लगाना है और इसको आप लोग को पूरा ही ग्रीन कर देना है। ग्रीन के बाद आपको सही पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इफेक्ट पे आना है। फिर क्या करेंगे आपको आर्टिक्स पे जाकर सबसे लास्ट में जाना है और आपको एक ठो ऑप्शन मिलेगा फेटल वन का, इस वाले को आप लोग ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद जस्ट आपको कुछ लोडिंग लगा, लोडिंग के बाद आपको मल्टीप्लाई ले लेना है, इसको हाई कर देना है, आपको इरेज पे जाना है और क्या करना है आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा सारा का सारा जो इफेक्ट है वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा और इतना आप लोग काम कर लीजिएगा एंड इसको अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा। फिर आपको सही पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली आपको आना कहाँ पे, इस टूल्स वाले ऑप्शन पे, और आपको एडजस्ट पे जाना है और फिर आपको सिचुएशन को क्या करना है लो करना है और फिर आपको इरेज पे जाकर इसको इनिवेट करना है। और जो देखिए हेयर पे इफेक्ट आया है इसको देखिए इस प्रकार से इसको सही किया जाता है, जो कि मैं जानता हूँ आप लोग को ये भी पता नहीं था कि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर, तो आप लोग को बता दिया हूँ इसी तरह से अपना जो हेयर उसको सही आप लोग कर देना, कितना हार्ड सही हो चुका है। फिर आपको सही पे क्लिक करना है, देखिए आप लोग को बस इतना काम करना है, उसके बाद आपको फोटो को सेव कर लेना है। सेव के बाद आपको क्या करना है फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि आप लोग तो जानते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन के बारे में हर चीज़। तो आप लोग फोटो रूम को ओपन करना और स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कर देना, उसके बाद कुछ लोडिंग लगा और हमारा जो पूरा एल्बम होगा यानी फोटो होगा वो अब ओपन हो जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है जो फोटो आप लोग पिक्सआर्ट से सेव किए थे उस वाले फोटो को आप लोग को ले लेना है। देखिए आप लोग को एकदम आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। फिर कुछ स्कैनिंग हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आ जाएगा, तो आप लोग को वेट कर देना है 1-2 सेकेंड तक। तो फिर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, तो आपको ब्लर वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। ब्लर पे आने के बाद आप लोग को ध्यान से देखना है सारा स्टेप, आपको नीचे आना है बैकग्राउंड पे और इस पे आने के बाद आपको ब्लर पे जाना है। फिर आप लोग दो नंबर को लेना है और दो नंबर को लेने के बाद इसको क्या करना है ब्लर वाला पॉइंट को आप लोग को अपने हिसाब से रखना है। तो मैं इसको रखता हूँ कितना, इसको ज़्यादा हाई नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग को लो ही रखिएगा, कम से कम 17 या फिर 20 आप लोग रखिएगा, मैं इसको 20 रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है इस वाले फोटो को
आप लोग को ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और सारा का सारा काम पिक्स आर्ट में समाप्त होने वाला है। तो आप लोग को पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में आ जाना है। फिर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आया है फोटो रूम का, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे ऐड फोटो पे। और गाइज बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए उसके बाद हमारा गैलरी जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आपको कौन सा फोटो लेना है, जो आप लोग का फोटो का बिना ब्लर वाला, इस वाले फोटो को आप लोग ले लीजिएगा। फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको जूमिंग करके आपको क्या करना है, पूरा बराबर बैठा लेना है। फिर इसको देखिए बराबर इसको हम बैठाए किस तरह, देखिए हम इसको बराबर बैठाए। फिर आपको इरेज पे आना है और इनिवेट करके आप लोग इस प्रकार से इसको इरेज कर देना फोटो रूम में। देखिए कितना हार्ड इरेज हो चुका है, इतना काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको दे दूंगा एक ठो टेक्स्ट पीएनजी जो कि माई लव शायद होगा, तो उस वाले टेक्स्ट पीएनजी को आप लोग को लगाना है। सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ अपने टेक्स्ट पीएनजी वाले में और आपको पीएनजी दे देता हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारा पीएनजी रखा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा पीएनजी मैं दे दूंगा। तो माई लव वाला पीएनजी आपको ले लेना है। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको ब्लेंड पे जाकर इसको मल्टीप्लाई करके इसको करना है लाइट एन, और इसको लगाना है इतना पे। देखिए आप लोग इसको इतना पर लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना पर लगाने के बाद आप लोग यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग को जो रखना होगा वो आप लोग रख लीजिएगा। फिर आपको सही पे क्लिक करके एंड सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आना है स्टिकर पे, और आपको लाइट पीएनजी वाले पीएनजी लेकर आप लोग सर्च कीजिएगा लाइट पीएनजी, तो ये वाला पीएनजी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक ठोको यहाँ पे हल्का फुल्का लगा लीजिएगा, और इसको डुप्लीकेट करके एक ठो कोई यहाँ पे हल्का फुल्का इस तरह लगा लीजिएगा। फिर आपको सही पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना कहाँ पे है, रिटच वाले ऑप्शन पे, और आपको जाना है हेयर कलर पे। देखिए आप लोग हेयर कलर पे सिंपली ध्यान से देखिए सब कुछ स्टेप को। तो आपको हेयर कलर पे आना है, फिर आपको इस वाले कलर को या फिर आप लोग इस वाले कलर को ले लीजिएगा, आपको बैक करके इस तरह कर देना है। फिर इसको हाई एंड मैनुअल पे जाकर इसको इतना एंड इसको इतना इतना कर दीजिएगा। एंड इसको ऊपर से क्या करना है आप लोगों को, देखिए साइज को छोटा करते हैं हम लोग, साइज को और छोटा पतला करते हैं। उसके बाद आप लोग को हेयर पे इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप लोग को ब्रश को चलाना है, जिस प्रकार से मैं चला रहा हूँ ब्रश को, इस प्रकार से आप लोग को भी ब्रश को चलाना है, ताकि लगे कि पूरा हमारा रियल हेयर है, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही काम करना है, सिंपली इस प्रकार से ब्रश को अपना चलाते जाना है, कितना हार्ड के चल चुका है। फिर आपको सही पे क्लिक करना, देखिए आप लोग को इतना काम तो समझ में आ गया, मैं जानता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, डायरेक्ट टूलविज एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आप लोग तो जानते हैं टूलविज के बारे में। इससे क्या होता है कि अपने जो हेयर हो गया उसको हम लोग ऑयल पेंट कर पाएंगे। तो आप लोग को टूलविज में आ जाना है, और सबसे लास्ट स्टेप ये हमारा होने वाला है। तो आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, आपको इस पर आने के बाद इफेक्ट पे जाना है, फिर सॉफ्ट स्मोच पे जाना है। उसके बाद इस पे आने के बाद आपको इस फोर्थ नंबर वाले को ले लेना है, फोर्थ या फिर आप लोग चाहे तो फिफ्थ को भी ले लीजिएगा, मैं इसको लेता हूँ फिफ्थ नंबर को। फिर फिफ्थ को लेने के बाद आपको क्या करना, मास्क पे जाकर क्लीन करना है। उसके बाद आप लोग को इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। देखिए आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, इस प्रकार से आप लोग को अपने हेयर पे इसको अप्लाई कर देना है। कितना हार्ड देखिए अप्लाई हो रहा है, हेयर पे हो गया। फिर आप लोग इस पर अप्लाई कर दीजिएगा हल्का फुल्का, इस पर भी कर दीजिएगा, एंड चाहे तो मूंछ पे भी कर सकते हैं। तो आप लोग को इतना काम करना है, फिर आपको क्या करना है, सही पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फोटो मेरा बन के कितना हार्ड रेडी हो चुका है। उसके बाद आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं, जो आपका फेस है इस पर ज़्यादा चमक नहीं है, जो कि आप लोग को हर वीडियो में बतलाया हूँ कि चमक कैसे दिया जाता है। तो आप लोग कोई से वीडियो देख सकते हैं, अगर देखें तो फिर जाइए स्नैपचैट में और अपने फेस पर चमक दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।